हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ताड़ के मालपुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पल्म फ्रूट, इसको हम ताड़ कहते हैं हिंदी में, तो इसको हम बंगाली में ताल भी बोलते हैं। इसको हमने क्या करना है, अच्छे से छील लेना है। तो आपको कैसे छीलना है ये भी मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से आपने इसका छिलका निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद आपको इसको बीच में से डिवाइड करना होगा। ये तीन हिस्सों में बट जाएगा, कभी कभी चार भी होते हैं, तो इसको हमने डिवाइड कर लेना है। अभी हमने इसका जूस निकालना है। तो जूस निकालने के कई सारे विधि होते हैं, आपको जो पसंद हो तरीका वो आप इस्तेमाल करके इसका जूस निकाल सकते हो। आप कुछ इस तरीके का बर्तन का इस्तेमाल करके भी इसका जो जूस है वो निकाल सकते हो। हाँ, जूस निकालते वक्त आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर करें, वरना जो जूस है वो अच्छे से नहीं निकलेगा तार से। और इसका जड़े ध्यान रहे, आपको नहीं लेना है, सिर्फ इसका जूस निकालना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका जूस भी निकाल लेना है। एक थोड़ा सा थिक होता है और कुछ इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है, आप देख सकते हो। ताड़ काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसके लिए हमने इसको निकालना होगा इसका कड़वा पानी। तो इसके लिए एक कपड़ा लेके आप ताड़ का जो रस है उसको निकाल ले। कुछ इस तरीके से हमने इसको अच्छे से रैप करना होगा, और रैप करके हमें इसको टांग के रखना होगा। कम से कम 5 घंटे तक हमें इसको ऐसे ही रखना होगा, ताकि इसका जो सारा पानी है कड़वा पानी वो निकल के आ जाएगा और एक थिक कंसिस्टेंसी में ये जूस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको रख देना है 5-6 घंटे तक। तो कुछ इस तरीके से ये पानी निकलते रहेगा और 5 घंटे के बाद हमने इसको खोल लेना है और एक कटोरी में हम इसको रख देंगे। तो ये ड्राई हो चुका है, इसका जो कड़वा पानी है वो निकल चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पानी और चावल लेके मिक्सी में इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहो तो राइस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हमने बोल में निकाल लेना है। अभी हम इसमें डालेंगे मैदा। चावल से मैदा थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार। तो अभी हमें इसमें इस्तेमाल करना होगा ताड़। तो ताड़ में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करूँगी। हमें कंसिस्टेंसी के अनुसार ताड़ थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ताड़ का सिर्फ हमें फ्लेवर चाहिए और उसका जो स्मेल है वो चाहिए हमारे मालपुए में। तो अभी हमने क्या करना है, पानी मिला मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक बैटर बना लेना है। आप इसको हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पानी मिक्स करके आप इसको 15 मिनट्स तक ऐसे ही रख दें, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से पानी को सोख ले। और अभी एक कढ़ाई लेके आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से हमने इसको वेट करना होगा गर्म होने तक। यहाँ पे हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे नारियल इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्किप किया है। और कुछ इस तरीके से हमने गरम होते ही ऑयल पे डाल देना है हमारा बैटर, और कुछ इस तरीके से इसको फ्राई होने देना है। जैसे हम मालपुए बनाते हैं सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ ताड़ का ऐड करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से ये फूल भी जाएगा और आप देख सकते हो, इतनी आसान रेसिपी है। आप इसको बना के घर पे ज़रूर खाएं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही आसान है, आप इसको घर पे बना के खा सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।